आपको सब्जेक्ट का ध्यान रखना है स्पीकर विल बी द सब्जेक्ट और जो लिसनर है ही विल बी योर ऑब्जेक्ट रिमेंबर द लिसनर विल बी योर ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड वर्ब दैट्स कॉल्ड आर वी आर वी के सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना जरूरी है नाउ लेट्स लर्न टू चेंज हाउ चेंज दिस सेंटेंसेस एंड वेन यू रिमेंबर वेन यू रिमेंबर दिज आपका क्वेश्चन सेंटेंस है इफर इज अ क्वेश्चन सेंटेंस एंड क्वेश्चन इज यस नो क्वेश्चन रिमेंबर यस नो क्वेश्चन मतलब विच कैन बी आंसर्ड इन यस और नो दे जनरली स्टार्ट विद ऑग्जरीज और हेल्पिंग वर्ब्स जो हमारा यस नो क्वेश्चन होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से या ऑक्सिलरीज़ जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलरीज़ से स्टार्ट होगा जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए विल यू कम विल यू कम इसका आप आंसर यस या नो में कर सकते हैं तो इसलिए ये यस नो क्वेश्चन है अब अगर हम इसी को रिपोर्टेड स्पीच में बात करेंगे तो इसमें क्या होगा जब आप रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे तो जहाँ आप सैड टू की जगह पे

जो आपका इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस होती है दैट्स व्हाट वी यूज कनेक्टर फॉर इन्वर्टेड कॉमा के लिए हम कनेक्टर यूज़ करते हैं तो यस नो क्वेश्चन में आपको कनेक्टर का यूज करना है इफ़ और वेदर इफ़ या वेदर दोनों में से कोई एक ही कनेक्टर का यूज़ करना है जहां आप पहले सिंपल सेंटेंस के लिए दैट का यूज़ करते थे हेयर वी विल यूज इफ और वेदर अब लेट्स सी if we talk about this sentence the sentence which says that which states like <laughs> will you come it's inverted question I reported ka raj will you come and rahul is replying suppose rahul रिप्लाइज यस yes. तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा यू विल राइट राजन इफ ही वुड कम रिमेंबर इसमें क्या ध्यान रखनी होती है हमारा जो क्वेश्चन सेंटेंस होता है डाय डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में हमेशा क्वेश्चन फॉर्म में होता है लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे इनडायरेक्ट में ये क्वेश्चन सेंटेंस बन जाता है सिंपल सेंटेंस रिमेम्बर इन इन इट बिकम्स सिंपल और यू कैन सिंपली से इट बिकम्स आफॉमेटिव तो आपका जो आफॉमेटिव बनेगा तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको लिखने हैं इफ एंड आफ्टर इफ आपको यूज करना है सब्जेक्ट देन द रेस्ट पार्ट्स जो भी आपके वर्ड्स आएंगे वो सब्जेक्ट के बाद तो इसलिए हमारा हो जाता इफ ही फ के बाद ही आ जाएगा बिकॉज राहुल बॉय राहुल के लिए ही यूज करेंगे सो अब 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 हमारा जब यशनो क्वेश्चन होगा तो इफ एंड वेदर का यूज करेंगे सेम हीयर जब आपका डब्ल्यू एच क्वेश्चन होंगे डब्ल्यू एच वर्ड्स वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है विच एटलीस्ट देसर रिक्वायर वन सेंटेंस अब देखिए इसमें क्वेश्चन जैसे देखिए रहीम हाउ ओल्ड आर यू द क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड आर यू नाउ हेयर राशीद एंड रहीम आर टॉकिंग सो रासीदिंग रहीम हाउ ओल्ड आर यू तो ये जो आपका वर्ड हाउ है दिस इज डब्ल्यू एच क्वेश्चन ओके डब्ल्यू एच वर्ड यू शूड से तो हमारा जो कनेक्ट होता है इन डब्ल्यू एच क्वेश्चन दैट बिकम्स कनेक्ट मीन्स डब्ल्यू एच वर्ड इट सेल्फ बिकम्स द कनेक्ट तो हेयर वी हैव हाउ तो हमारा इनडायरेक्ट में भी हाउ कनेक्ट बन जाएगा एंड एज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड लाइक से जगह पे आक्स लिखने है. और फिर क्वेश्चन सेंटेंस विल चेंज इन टू सिंपल सेंटेंस इसीलिए क्या हो जाएगा राशिद रहीम नाउ हाउ देखो क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड आर यू अब इसको आप जब सिंपल में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा हाउ ओल्ड ही वॉज ओल्ड हाउ ओल्ड एक साथ आ जाएगा देन सेकेंड पर्सन इज यू तो इसके अनुसार से चेंज करोगे आप सेकेंड पर्सन भी हमारा रहीम के अनुसार चेंज होगा रिमेंबर रहीम इज द लिस्नर जो लिस्नर होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है रहीम के अनुसार चेंज करोगे तो ही एंड देन इट्स अ सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस इट विल चेंज इन टू सिंपल पास तो हाउ ओल्ड ही वॉज रिमेंबर इट विल बिकम हाउ ओल्ड ही वॉज लेट्स टेक सेकेंड क्वेश्चन

why now remember this is our second person subject so you will change it according to object of this part which is called R v thats reporting verb part so Reva is a girl so here we will write subject C for her why are you looking so sad will become why she. एंड इट इज सी इट्स अ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के जो इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं वो पास कॉन्टीन्यूअस में हो जाता है तो वॉज इज आर एम दिल चेंजिंग टू वॉज वर्तो वाइस सी वॉज लुकिंग सो सैड विल बिकम द इनडायरेक्ट स्पीच लाइक वाइज यू कैन टेक मेनी क्वेश्चन अप्लाई द रूल डब्ल्यू एच क्वेश्चन रिमेम्बर आपको बस ध्यान में ये रखने हैं कि रूल्स में कि सेड टू को चेंज करना है आक्स्ट में ओके इनक्वायरिड ऑल्सो कम्स समटाइम्स एंड इन्वर्टेड कॉमा जहाँ हम यूज़ करते हैं उसको कनेक्टर के रूप में आपको यूज करना है डब्ल्यू एच वर्ड जो भी वर्ड आपका क्वेश्चन में होगा वो हम डब्ल्यू एच वर्ड सेम वर्ड से कनेक्ट करेंगे सेंटेंस को एंड थर्ड थिंग याद रखना है जो क्वेश्चन सेंटेंस है दैट इन इंडायरेक्ट विल बिकम सिंपल सेंटेंस आपको ऑर्डर ऑफ सेंटेंस चेक करनी है जैसे क्वेश्चन में क्या होता है पहले तो हेल्पिंग वर्ब होती है देन सब्जेक्ट में देन सब्जेक्ट होता है देन मेन वर्ब होते हैं लेकिन जब आप इसको सिंपल में करोगे तो क्या हो जाएगा पहले सब्जेक्ट देयर विल भी हेल्पिंग वर्ब इट मीन्स द फर्स्ट वर्ड विल बी सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब let's try doing it try helping you out with some more sentences let's see the last sentence we are discussing here in this video i said to rahul where have you been all these days look at here where is the wh question word so let's said will change into asked i asked rahul where now look have

अगर फर्स्ट पर्सन का है तो वो स्पीकर के अनुसार चेंज कर देंगे द सेकेंड पर्सन लाइक यू योर योर्स वो लिसनर के अनुसार दैट्स कॉल ऑब्जेक्ट रिमेंबर इस पार्ट को हम आर वी कहते हैं दिस इज आर एस तो आर एस के सारे चेंजेस आर वी के अनुसार से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा तो यू इज हियर सेकेंड पर्सन तो यू को आप चेंज करते हो ना सीधा स्पीकर देखिए इसका लिसनर राहुल है तो राहुल के अनुसार चेंज